friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, today we will do India's foreign trade. 12th class Indian economy, chapter number 5, India's foreign trade. बेटे अभी तक आप लोगों को मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज ये सब करने से पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने जो करना है, तो आप लोगों ने करना है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या होता है इंडिया की इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिपेंडेंस से, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया के समय जब हमें आज़ादी मिली उस समय क्या पोजिशन थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या पोजीशन हो गई, और वाई शुड इंडिया गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ये होती क्या है। ये चार क्वेश्चंस हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं। लेकिन इसको कवर करने से पहले मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो पूछना चाहूँगी और उसके आंसर भी हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड। आपको पता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स मे एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। क्या होता है कि जब आपने एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, जैसे कि मान लो आपकी ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसके अंदर जितनी भी आउटपुट की, दैट आउटपुट इज एक्सीड देन इट्स डिमांड, यानी कि उसकी कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स उसका लगना नहीं है, लोगों ने डिमांड कम की। अब क्या करते हैं कि यहाँ से आपके पास एक सरप्लस बच गई, अब इस सरप्लस को आप लोग क्या करते हैं, बाहर अदर कंट्रीज़ को सेल कर देते हैं, अदर कंट्रीज़ यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ को सेल कर देते हैं, तो उसे बोलेंगे एक्सपोर्ट। और कई बार क्या होता है कि आपके आपकी कंट्री में गुड्स कम होते हैं और आप दूसरी कंट्री से मंगवा लेते हो, तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ऑल आर फेमिलर विद दिस वर्ड। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश की सीमा से बाहर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब आप करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, इंडियाज फॉरन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की हमारी आज़ादी के समय क्या क्या पोजीशन थी। बेटे उससे पहले अगर हम लोग आपको एक बात बताना चाहूँ, तो आप लोगों को आज़ादी मिलने से पहले या जब तक हमारे पास ब्रिटिश या क्लोनिकल, ब्रिटिश और क्लोनिकल एक ही बात आएगी, क्लोनिकल रूल से पहले, बिफोर, इंडिया को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि यहाँ की जो आपके कंटेंट हैं या आपकी जो फिज़िकल फीचर्स हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, तो ये जो सारा एनवायरनमेंट था, फिज़िकल बाउंड्रीज जो हैं इसकी इंडिया की, बहुत अच्छी हैं, यानी कि फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पर प्रोडक्शन यानी कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह पूरी हो सकती हैं, और यहाँ पर आप लोग सरप्लस में प्रोडक्शन भी कर सकते थे। और उन दिनों में आप लोगों को ध्यान होगा या पुरानी मूवीज़ आप लोग देखते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि राजा की कितनी शान और शौकत दिखाई जाती है, सोना चांदी के यहाँ पर भंडार थे। तो यहाँ पर हर बाहर के मुल्क के लोग यहाँ पर भारत के साथ मित्रता यानी कि दोस्ती करना चाहता था, और इसका रीज़न एक ये भी था कि वहाँ यहाँ पर कुछ एक ऐसे कारीगर थे, जो आप लोग आर्टिस्ट बोलते हैं, ऐसे थे जिनके हाथ का किया हुआ काम वहाँ पर बहुत पसंद किया जाता था। मेरे को एक कहानी भी याद है कि मिस्र राज्य के जो राजा थे वो यहाँ पर कपड़ा खरीदने के लिए आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कपड़े के ऊपर कारीगरी होती थी वो मिस्र की रानियों को बहुत पसंद थी, और जब रानी को पसंद है तो राजा कहता है ना कि खजाना खाली कर दो, रानी को खुश करना है, तो वो उस के बदले में सोने को यहाँ पर देखे जाते थे। जब आपके पास सोने के सिक्कों का चलन हो चुका था, उसके समय की बात है, यहाँ पर सोने के सिक्कों के साथ साथ यहाँ पर सारे मसाले पाए जाते थे बहुत अच्छी तरीके के, खुशबूदार जो खानों में यूज़ किए जाते थे, यहाँ पर कॉटन का खेती की जाती थी, जूट की खेती की जाती थी, हस्त शिल्पकार थे जिनके बदले में फॉरेन कंट्रीज़ जो देश थे वो यहाँ पर हमें गोल्ड देते थे। तो इसीलिए यहाँ पर सोने की चिड़िया को कहा जाता था कि अगर आप लोग भारत को ढूंढ लो या भारत में चले जाओ तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो फिर बेटा इस सारी चीज़ों का आकर्षण के होते हुए ब्रिटिश राज्य यहाँ पर स्थापित हो गया। ब्रिटिश आए यहाँ पर, उन्होंने अपना
व्यापार के बदले से व्यापार के माध्यम से ही आए थे यहाँ पर और उन्होंने अपनी हमारी कंट्री में कर दिया। उस समय इंडिया हमारा नंबर वन एक्सपोर्टर था, यहाँ पर सभी देशों को एक्सपोर्ट करता था सरप्लस में। लेकिन फिर ब्रिटिश ने अपनी रणनीतियों के द्वारा या अपने व्यापार के अंदर आकर देश के अंदर आकर उन्होंने अपने राज्य को स्थापित कर दिया। अपने राज्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाए देश में, अपनी उन्होंने लोगों को अपनी सेना को खड़ा किया और बहुत सारे कारण थे जिनके कारण उनका राज्य स्थापित हो गया। और जब हमें आज़ादी मिली तब हमारा फॉरेन ट्रेड की स्थिति ही बदल गई थी। अब वो स्थिति क्यों बदली, ये आपको चार क्वेश्चन हैं, तो इन चार क्वेश्चन के आंसर देने से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला है, विच रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझेंगे। वैसे तो ये आप कर चुके हैं कि कौन कौन सी वो पॉलिसियां थी जिसके कारण भारत मर कॉलोनियल गवर्नमेंट का एडवर्स नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, किस पर, स्ट्रक्चर पर, कंपोजिशन और वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। उस समय क्या था, कंपोजिशन यानी कि किस किस चीज़ों का हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे और किस वॉल्यूम कितना कितना हम फॉरेन ट्रेड करते थे। ठीक है बेटे, अगर मैं इसका आंसर साथ में दे देती हूँ, द जो इसमें रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, पहली क्या थी आपके पास, जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में कमोडिटी प्रोडक्शन जो एक उन्होंने बनाई हुई थी कि आपने इतनी मात्रा में इतना ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है। जो दूसरी थी आपका इसमें ट्रेड एंड टैरिफ, परसुएड यानी कि उन्होंने जो नीति चलाई थी, उन्होंने नीति चलाई क्या थी कि वो इंपोर्ट पर यानी कि जो वो इंपोर्ट करते थे तो यहाँ से जो इंपोर्ट करते थे मंगाते थे उस पर टैक्स लेते थे और यहाँ से जो टैक्स लेते एक्सपोर्ट करते थे भारत में से उसके ऊपर कम टैक्स लगाते थे। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने अपना ब्रिटिश जो राज्य था उस मर उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना था। किसको करना था, मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट किया था। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इन दो पॉलिसीज की वजह से खेल के उन्होंने हमारे इन तीन चीज़ों को एडवर्सली इफेक्ट कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो बेटा आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, एक्सपोर्टर था। कंपोजिशन का मतलब कि कितना एक्सपोर्ट करता था कितना वो इंपोर्ट करता था। तो वो प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एसेट्रा, और वो इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड के। इंपोर्टर कैसे, जैसे कि कॉटन को यहाँ से ले जाते थे वो टेक्सटाइल में और कपड़े को यहाँ पर बेच देते थे हैवी मतलब प्राइस पर, कैपिटल गुड्स को, लाइट मशीनरीज हो गई प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो भी चीज़ें बनती थी इंडिया उनके लिए सबसे बड़ी मार्केट थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ वी मूव टू द थर्ड, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यहाँ पे किसके, यानी कि बेटे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वो 50% जो डीलिंग था ट्रेड था उसका ब्रिटेन के साथ था और बाकी कुछ एक जो थोड़ा बहुत ट्रेड था मैक्सिमम तो वो था चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ, इन तीन देशों के साथ। लेकिन आज आप लोग देख रहे हो मैक्सिमम हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैक्सिमम कंट्रीज के साथ है। अभी आपको डायरेक्शन पता लग गई कैसे थी कि 50% हमारा ब्रिटेन के साथ था, बाकी का जो था कुछ थोड़ा बहुत फ्यू कंट्रीज के साथ चाइना, श्रीलंका और ईरान के साथ था। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द एक्सपोर्ट सरप्लस नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस जो था वो गोल्ड और सिल्वर में हमारे पास क्यों नहीं बच रहा था। आपको फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे, चाहे हम लोग बेसिक प्राइमरी चीज़ें ही कर रहे थे, लेकिन फिर हमारे पास उसका फ्लो हमारे पास क्यों नहीं आया। तो बेटा एक्सपोर्ट सरप्लस डिज नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, बिकॉज
इंडिया को बहुत ज़्यादा कर्जा देना था, पेमेंट करनी थी ब्रिटेन कंट्री की, क्योंकि ब्रिटेन उनसे चार्ज करता था कि उन्होंने अपने ऑफिस को सेटअप किया है कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, और वो यहाँ पर इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम का करता था, और जो एक्सपोर्ट थे वो यहाँ पर फाइनल गुड्स का करता था, और बदले में वो हैवी टैक्स वगैरह लिया करता था। तो जिसके कारण उनकी जो गोल्ड और सिल्वर आते थे ब्रिटेन में वापस चले जाते थे। इस तरह से जो इंडिया का मेन आप लोगों की वेल्थ थी, यानी कि उनका जो भी रुतबा था, पैसा था, वो सारा का सारा आपका ब्रिटेन कंट्रीज में जाने लगा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अब इंटरनेशनल ट्रेड का अब आपको पता लग गया कि क्या सिचुएशन थी हमारी आज़ादी के समय, लेकिन इससे पहले इंटरनेशनल ट्रेड के फ़ायदे क्या होते हैं। बट देखो, आपने अपनी डोमेस्टिक में आउटपुट किया, सरप्लस को आपको बेचने को मिला, तो आपको क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में एक कॉस्ट एडवांटेज मिल जाएगी। ये आपको पता ही है कि अगर आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी आपको कॉस्ट में कम पड़ेगा। क्यों, मान लो एक मशीन है, एक मशीन की कैपेसिटी 100 यूनिट है, और अगर आप 100 यूनिट पूरे करते हो तो वो यूटिलाइज्ड होती है। अगर आप उसमें 80 बनाते हो तब भी उतना ही खर्चा आएगा, 90 बनाओगे तब भी उतना ही आएगा, तो एक तरह से 100। अगर आप लेकिन ज़्यादा क्यों बनाओगे, जब आपकी सेल होगी। अब अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, यानी कि सरप्लस को दूसरी कंट्रीज़ में आप प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको कॉस्ट की एडवांटेज हो जाएगी। दूसरा, कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड, यानी कि आप इंटरनेशनल ट्रेड का क्या होता है कि अगर जिस आपको वही वस्तुएं स्पेशलाइज हो, जिसमें गुड और सर्विसेज में आप उन्हीं को प्रोड्यूस करोगे जिसकी कॉस्ट आप दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कम कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बेटे, कि मान लो आपने एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 10 रुपीज़ लगाए, ठीक है, लेकिन वही एक यूनिट अनदर बी कंट्री है, वो उसको 10 की बजाय 5 या 8 रुपीज़ यूनिट में बनाते हैं, तो आपको 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है यहाँ से, ठीक है। या आप उसको लगा सकते हैं कि 7 रुपीज़ पर यूनिट बनाते हैं और आपको वो 8 में सेल कर देंगे, तो आपको 2 रुपये बचे कि नहीं बचे, 2 रुपये बचे ना। कि अगर आप करते हैं तो 10 रुपीज़ में करते हैं, लेकिन आप दूसरी कंट्री से लेते हैं तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट 7 पड़ती है, वो 1 रुपये के बेनिफिट पे आपको बेच देते हैं, तो ये भी आपको बेनिफिट हो गया। इंटरनेशनल में क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट से हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल फैसिलिट करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट हायर प्राइस, हाई प्राइस देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। और इससे क्या होता है कि आपको लो मार्केट में मिलती हैं, सेकेंड आपको वेराइटीज़ मिल जाती हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप पैसा लगा सको, ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कर सको, और जिससे कि आपकी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि इनकम में आपको इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। अब ये तो आपकी थी सारी सिचुएशन, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इसके बेनिफिट क्या है। अब बट इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अब आपको ये भी पता लग गया, क्योंकि मैंने आपको सारे 4 क्वेश्चन बता दिए हैं कि उस समय हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते थे और अपनी इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, यानी कि ब्रिटिश की आउटपुट को, इंडस्ट्री सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमारी बैकवर्डनेस क्यों थी। यहाँ पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मॉडरेट, क्योंकि हमारी उन्होंने सारी हैंडीक्राफ्ट की, दूसरे जो हमारे दरबार वगैरह थे वो सारे ख़त्म कर दिए थे, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी नेगेटिव चला गया था, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, हम बैकवर्डनेस थे, हम सिर्फ बेसिक चीज़ों को ही एक्सपोर्ट करते थे और फाइनल गुड को इम्पोर्ट करते थे, और डायरेक्शन भी क्या था कि हमारा सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही लार्जेस्ट आपका ट्रेड सेंटर थे, यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक the video, please subscribe the channel, and in next video we cover the foreign trade after independence and the inward looking trade strategy. Thank you.